एवरीवन, होम कुकिंग में आज हम बनाएंगे चकली। वेलकम बैक टू माय चैनल उषा राणा। चकली बनाने के लिए हमें चाहिए 2 छोटी कटोरी चावल, मैंने बारीक वाले चावल लिए हैं ताकि आसानी से पीस जाए, 1 छोटी कटोरी जो है चने की दाल, और आधी कटोरी जो है मैंने मूंग मसूर की धुली हुई दाल ली है, और थोड़ी सी ली है मैंने उड़द की दाल धुली हुई। ये इन सब चीजों को मैंने, इन तीनों दालों को और जो है चावल को धो लिया था, और धो के मैंने धूप में सुखा दिया था। सुखा के मैंने इनको रोस्ट कर लिया, और रोस्ट करने के बाद मैंने इनको पीस लिया। पीस के जो है हमें ऐसा जो है आटा मिलेगा, चावल और दाल का इस तरीके का आटा मिलेगा। अब इस आटे से हमने चकली बनानी है, देखते हैं कैसे बनती है चकली। तो चकली बनाने के लिए हमने लिया है ये आटा, और हमने ये लिया है गरम पानी। मैंने पानी को पहले ही गरम करने रख दिया था, बिल्कुल गरम होना चाहिए पानी। और इसमें जो है हम ऐड करेंगे हम मसाले। अब मसालों में हमने लिया है यहाँ पे नमक, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे हम इसमें, स्वाद के अनुसार। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए चकली को, और हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर, ऐड करेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च, देगी मिर्च मैंने ली है, लाल मिर्च हम यूज करेंगे, और थोड़ा सा हमने ऐड करना है इसमें हींग, हमने हींग ऐड कर दिया है। तो ये हो गए हमारे मसाले, और इसके अलावा हमने ऐड करना है अजवाइन, कैरम सीड 1 चम्मच, 1 चम्मच हमने अजवाइन ऐड की है, और 1 चम्मच हमने ऐड करना है तिल, 1 चम्मच हमने लिया है तिल। इन सबको हम मिला लेंगे, और मिलाते समय हमने इसमें डालना है 2 चम्मच तेल, हमने तेल ऐड करना है इसमें ताकि हमारी जो चकलियां हैं वो क्रिस्पी बने। हमने इसमें ऐड कर दिया है तेल, ऑयल ऐड कर दिया, और अच्छे तरीके से हमने इसको पीस लिया है। पीसने के बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे पानी, गरम पानी, बिल्कुल गरम होना चाहिए पानी, और इसको हम मिलाते जाएंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अच्छा सा सॉफ्ट सा डो इसका हम बना लेंगे। इसको हम मिलाते जाएंगे अच्छे से, देखिए इस तरीके से मिलाते जाना है हमने, और इसको अच्छे तरीके से अब, ताकि पूरा जो आटा है अच्छे से भीग जाए, और इसकी सॉफ्ट डो बनानी है हमने, जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं, रोटी के लिए बनाते हैं वैसा नहीं बनाना है हमने, जैसे पूरी के लिए थोड़ा सॉलिड सा डो बनाना है इसमें। और इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से मिला के रख देंगे। अब मैंने जो है पहले से ही इस तरीके का इसको गूंथ के रख लिया था, इस तरीके से गूंथना है हमें, देखिए कितना सॉफ्ट बन गया है। थोड़ा इसको 10-15 मिनट हमने रख देना है सारे मसाले और पानी डालकर, और देखिए कितना अच्छा डो बना है। और इसी डो का जो है आटे का हम बनाएंगे चकली। चकली के लिए मेरे पास में है ये सांचा, सांचे को हमने पहले तेल लगा देना है, इसको हम तेल लगा लेंगे, इस वाले को भी तेल लगा लेंगे, और हमने लेना है एक थोड़ी सी इसकी, थोड़ा सा हमने ये आटा लेना है, और इसमें हमने इस तरीके से दबा दिया, हमने इस तरीके से इसको दबा दिया देखिए, और इसके ऊपर ये चकली का दूसरा पीस जो है इसको रख दिया। और अब हम बनाएंगे चकली। अब चकली जो है मैं इसके ऊपर बनाऊंगी, मैंने पहले इसमें ऑयल लगा लिया था, तेल लगा लिया था थाली में,
अभी अभी चकली बनाते हैं हम। तेल मैंने गरम करने रख दिया है। इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। ऐसे काफी सारी चकलियां हम बना के रख लेंगे। मैंने यहाँ पर तेल पहले से ही गरम करने रख दिया है। अब एक एक चकली को उठाकर हम इसमें डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर मीडियम आंच रखनी है इसकी। बन रही है अभी ये। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए थोड़ी सी अच्छे से, तब इसको निकालेंगे हम, पलटते रहेंगे। ब्राउन हो रही है अभी ये। इस प्रोसेस को बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
चकलियां हमारी अच्छे तरीके से ब्राउन हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। ये चकलियां बहुत ही क्रिस्पी बनती है, आप इसको बना के देखिए। टिश्यू पेपर में सारा ऑयल आ जाएगा। देखिए कितनी अच्छी चकलियां बनी हुई है। अगर आपको ये डिश अच्छे लगे तो बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।